भाई मेरी बेबी मान गई और उसने कह दिया तो कल ही फ्लाइट करवा दूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा फर्मा बरदार बच्चा निकला। अब तो चैन आ गया ना, बीवी आ गई घर। बताओ नताशा, कैसी लगी मेरी पसंद? आपने तो अभी से बारात की शॉपिंग शुरू कर दी। तुम्हारा क्या सिर्फ मंगनी का इरादा है भाई? एक महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी भी होनी है। क्यों भाई अलीजे? और वैसे भी अलीजे तुमसे बहुत तंग है, वो चाहती है कि इस घर से तुम जल्दी से जल्दी अपने घर रुख सकें। ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल हमें कोई साड़ी नहीं पसंद आई। खैर मेरा वीक बहुत बिजी था, अदरवाइज मैं दुबई से ले आती। तो हम ले आएंगे दुबई से, क्यों शेरी? बिल्कुल भी नहीं, दुबई जाके हम कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करेंगे। देखो मेरी बीवी ना थक जाती है, अपने हनीमून पे जा रहे हैं, किसी की शॉपिंग थोड़ी करेंगे। देखिए आपको जो भी काम लेना है ना, प्लीज आपकी बहू है ना, उसी से लें। नताशा तुम्हें पता है, इसने हमें शॉपिंग करना मुश्किल कर दिया। बार बार इसकी कॉल्स आ रही थी, अलीजे कहाँ हो, अभी तक नहीं आई हो, शॉपिंग हुई कि नहीं हुई। मैं तो सच आधी अधूरी शॉपिंग में लौट कर आ गई हूँ। अलीजे मेरे भाई को काफ़ी डरा कर रखती है। खैर नॉट अ बैड आइडिया, तुम दोनों को दुबई हो ही आना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा है। भाई मेरी बीवी मान गई और उसने कह दिया तो कल ही फ्लाइट करवा दूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा फर्मा बरदार बच्चा निकला। अलीजे कैसे किया इसे मुट्ठी में? आंटी यही तो कमाल है, जैसे आपको मुट्ठी में किया हुआ है वैसे ही बाकी सबको भी। नताशा तुम तो टिपिकल नन्नू वाले जुमले बोलती हो भाई, इस बच्ची का दिल झरने की तरह साफ है। खैर मुझे चलना चाहिए। अच्छा हाँ अलीजे, साड़ियों की जिम्मेदारी अब आपकी रही। जी लुक आफ्टर इट। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, प्लीज छोड़ा हो जरा। नौरी कपड़े लेके जाओ मेरे कमरे में।